मुत्तू भाई बोलो। हेलो सुनो, एक ही मेडिकल शॉप से दोनों चीजें एक ही आदमी खरीदा, पर मेरे आदमी के वहां पहुंचने से पहले वो घोंचू निकल गया। हाँ। सीसीटीवी कैमरे से आदमी मिला है, अभी तेरे को भेजा है। इंदिरा नगर कॉलोनी में 13 नंबर खोली में रहता है, नाम है प्रिंस। इसके फोन के वीडियो चेक करो। ये दवाई किसके लिए खरीदी थी? ये मैं अपने लिए ले रहा था। स्वर सच बता, किधर है मनु? कौन मनु? मैं किसी मनु को नहीं जानता। सचिव भाई जरा ये देखो। सचिव भाई बस करो। सचिव भाई अगर ये मर गया तो मनु का पता कौन बताएगा भाई? अबे नल्ले, अब भी नहीं बताए तो कहीं का नहीं रहेगा, भौंकेगा या और मार खाएगा।
आप केरल के किस जिले में रहते हैं? कोट्टयम। और मेरे पिता एत्तमन्नूर से। जब मैं छोटा था तभी यहाँ आ गया था। मेरे पिताजी यहाँ पढ़ाते थे, अब वो रिटायर्ड हैं। आप भी मलयाली हैं क्या सर? मैंने कैलिकट एनआईटी से इंजीनियरिंग की थी, तभी 4-5 साल वहाँ रहा था। अच्छा। और मेरे बहुत से आईपीएस बैचमेट्स भी मलयाली ही हैं। ओके। आप मार्शल आर्ट्स टीचर हैं, है ना? जी। कौन सा मार्शल आर्ट सिखाते हैं सर? विंग चुन मार्शल आर्ट, शायद आपने सुना होगा। ओह, विंग चुन, वही जो ब्रूस ली और इपमैन करते थे। हाँ, ब्रूस ली ने सबसे पहले विंग चुन मार्शल आर्ट सीखा था। ब्रूस ली के मास्टर इपमैन थे। ये कुंग फू का फॉर्म नहीं है? नहीं सर, ये कुंग फू से थोड़ा सा अलग है। ओके, हम एक सीरियस केस पर काम कर रहे हैं। ओके। वेदा ने कहा कि आपसे हमें कुछ मदद मिल सकती है, तो बिल्कुल सर, ये 2 महीने पहले हुआ था। देहरादून मलयाली एसोसिएशन ने मिक्स मार्शल आर्ट की एक वर्कशॉप अरेंज की थी ऋषिकेश में। रे, गुड मॉर्निंग ऑल। आज आपकी इस क्लास के टीचर होंगे कुंगफू में माहिर शिफू ऋषिराम और उनकी सगी बहन मिस ऋतुराम। मैं इन दोनों का इस स्टेज पर स्वागत करता हूं। रे, हाय, गुड आफ्टरनून, सीजा प्लीज। बाकी लोगों की तरह आप भी सोच रहे होंगे कि कुंग फू शब्द चीनी मार्शल आर्ट को रिप्रेजेंट करता है। असल में चाइना में उनकी अपनी भाषा में किसी भी काम की लगातार प्रैक्टिस करके उस काम में महारत हासिल कर लेने को वो लोग कुंग फू कहते हैं। जरूरी नहीं वो मार्शल आर्ट हो। चीनी मार्शल आर्ट कुंग फू के बहुत सारे स्टाइल हैं, जैसे कि वुशू, विंग चुन, ताई ची, शाओलिन कुंग फू और भी बहुत कुछ। हर स्टाइल की अपनी एक फिलॉसफी और प्रैक्टिस होती है। क्या हुआ तुम्हें? खड़े क्यों हो? एक बार फिर, रेडी? 1, 2, 3। मैंने उन लड़कों में एक बात नोटिस की कि उनका तौर तरीका वो नहीं था जो एक मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स का होना चाहिए था। कैंप की शुरुआत से ही उन लड़कों का बर्ताव दूसरे बच्चों से अलग और बहुत अजीब था। ऑर्गेनाइजर्स ने मेरे सामने एक बात रखी कि मैं ये मामला बातचीत से सुलझा लूं, लेकिन मैंने मना कर दिया और कैंप जारी रखा। विंग चुन मार्शल आर्ट्स निंगमाई नाम की एक महिला ने इन्वेंट किया। विंग चुन की खूबी है कि वो सॉफ्ट एनर्जी को हार्ड एनर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करके उसकी ताकत को पलटता है और उसका सामना करता है। हमने इसे प्रैक्टिस करने के लिए कैंप स्टूडेंट्स की मदद की। और फिर एक दिन, तुम्हारा नाम? मैरिन। और तुम्हारा? टेला। प्लीज आइए। लड़कों में से कोई यहां आ सकता है? ओके, टेक पोजीशन। ठीक हो? Are you okay? Okay? गर्दन घुमाने की कोशिश करो, अब ठीक है? कभी कभी लड़ाई के दौरान फाइटर्स आक्रामक तरीके अपनाते हैं।
लेकिन एक फाइट टेक्निक दिखाते और सिखाते वक्त रवैया अलग होना चाहिए। जब दुश्मन जोर आजमाए तो तुम्हें उसे पहले ही परख लेना। लेकिन वो लड़का कुछ अलग था। उसकी आंखों में मुझे आपराधिक मानसिकता साफ साफ दिखाई दे रही थी। ओ, फिर क्या हुआ? हमने उनके रवैये को नजरअंदाज किया, लेकिन उन लड़कों के व्यवहार से ऑर्गेनाइजर्स बिल्कुल खुश नहीं थे और उनसे सवाल किए, लेकिन वो लड़के उनकी बात सुनने को राजी ही नहीं थे। वो वहां से हंगामा करके निकल गए। और सर, फिर एक हफ्ते बाद जब मैं घर पे टीवी देख रहा था, आज की ताजा खबर, एक बार फिर लुइस एंटनी और उसके सभी साथी कानून की नजर में धूल झोंकने में कामयाब हो गए। सरकारी वकील लुइस एंटनी और उसके साथियों को सजा दिलाने में असफल रहे। मुझे एहसास तो था कि कैम के कुछ स्टूडेंट्स बदमाश और आवारा हो सकते हैं, लेकिन वो तो मेरे अंदाज से भी ऊपर निकले। मुझे ये सोचकर ही घबराहट हो गई। और तभी वेदा सर ने मुझसे इस मामले में बातचीत की, इसीलिए लगा कि मुझे आपसे मिलना चाहिए। ये उनका लीडर है। ये बहुत ही खतरनाक अपराधी है। इसकी क्राइम हिस्ट्री बहुत लंबी है। इसका गैंग बाकियों से अलग इसलिए है क्योंकि इसके गैंग मेंबर्स मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं, और उनमें से कुछ केरल से हैं। हमें नहीं पता कि वो उन्हें सिखाता है या सीखे हुए मार्शल आर्टिस्ट की भर्ती करता है। आप लोगों से मुझे ये समझना है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को पहचानने का आप लोगों का क्या तरीका है। पुलिस का अपना तरीका है, लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन के अंत में उन्हें सिर्फ वार्निंग दे सकते हैं। क्या आप कुछ जानकारी देंगे? जी बिल्कुल सर, ये तो भलाई का काम है। जितनी भी जानकारी मिलती है मैं आपको ला कर दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। कैंप में हंगामा करने वाले वो लड़के याद हैं आपको? आप उनकी जानकारी मुझे दे सकते हैं क्या? अच्छा, वो लड़के ना, उनकी जानकारी हमारे सिस्टम में होगी, जरा चेक कीजिए। मास्टर, आपको याद नहीं, उन्होंने ऑनलाइन एंट्री से रजिस्टर नहीं किया था। अच्छा। हमने कैंप की सुबह कुछ ओपन एंट्रीज वालों को भी शामिल किया था, वो इसी तरह वहां आए थे। क्या हुआ मास्टर? सर, मैंने इस केस की बहुत गहराई से जांच की है। इसकी बहुत सारी जानकारी मुझे दिल्ली और केरल की एसोसिएशन से मिली है। हो सकता है कि ये पहले से ही पुलिस की केस हिस्ट्री में दर्ज हो, शायद आप जानते भी हो। फिर भी मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। ओके, गो अहेड। हेलो खान। हाँ बोल गनी। आज डिसूजा की बेटी अल्टीसा तो मेरे साथ ही है। अल्टीसा नहीं, लिटीशा। ओ, लिटीशा भाई, लिटीशा। तुम्हारे डैडी लाइन पर हैं, जरा हाय बोल दो। हाय डैडी। बेटी तुम्हें और आइसक्रीम चाहिए? एक और। इसकी लड़की भी इसके जैसी चालाक है, इसने तो कभी इसे आइसक्रीम खिलाई ही नहीं। भाई एक और आइसक्रीम देना तो। अब बता, इतनी सारी आइसक्रीम का पैसा कौन देगा? जल्दी बता, बहुत देर हो गया इसके साथ, कहाँ फेंकना इसे? और 5-6 बना के रखो इसकी तो। प्लीज सर, मेरी बेटी को कुछ मत करिए, मैं बताता हूँ। शेट्टी साहब के कहने पर हमने आपके भाई को मारा। बाद में आपके भाई को शेट्टी साहब को सौंप दिया। अब उन्होंने क्या किया होगा मुझे नहीं पता। ये है शेट्टी, ये है इसकी फैमिली, और ये इसकी बेटी आर्या शेट्टी। गुड मॉर्निंग सर, एक पुलिस वाला आपका इंतजार कर रहा है। ये शेट्टी अपने आप में सरकार है। सरकार हो या पुलिस हो, इसका नाम सुनते ही गुंडे भी पीछे हट जाते हैं। शेट्टी से कोई भी नहीं टकराता। यस मिस्टर ऑफिसर, आजकल ड्रग्स वालों को छोड़कर मेरा पीछा कर रहे हो। इसका कारण भी तो आप ही हैं। क्यों, झूठ बोल रहा हूं? डीजीपी प्रताप के रिलेटिव लड़के और लड़की पर आपने कल अटैक करवाया, उसके बाद उसे किडनैप कर लिया। इन सब के पीछे आपका ही हाथ है, मेरी इन्फॉर्मेशन पक्की है। फिर जिसने भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी है उसी से पूछो वो कहाँ है, और जाकर उसकी जान बचाओ। अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? शेट्टी के साथ मुकाबला करना
हमारे बस की बात नहीं है सचिव भाई। वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट से अगर आपको कोई टिप देता है तो हर पुलिस वाले को आपने नौकर समझ लिया है। किस चीज की गर्मी है आपको पता है मुझे। मेरे आदमी तुम्हारे बीच में भी है वेदांता, इसलिए ये गर्मी मुझे मत दिखाना। मिस्टर वेदांता, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट भी कोशिश करे तो भी वो लड़का नहीं मिलने वाला है। हमें एडविन मोजेस की मदद लेनी पड़ेगी भाई। कोई उसका दुश्मन होता उसे उठाकर नहीं ले जाता, खत्म कर दिया होता। अब अपने डीजीपी को बोल दो कि उसे भूल ही जाए। मुझे इसके लिए किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अपने भाई को बचा सकता हूं, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं उसे उठा लें तो। आर्या शेट्टी, काम का नहीं है। हाँ करेक्ट। हाउ मच? 125 रुपीज सर। इस कपूर के डिब्बे का इतना महंगा काय के लिए? संभाल के रखना, उड़ जाएगा। सॉरी। हाँ इट्स ओके। अरे बाप रे, सॉरी सॉरी। हाँ पुतले के माफिक खड़े हैं। पापा जरा ध्यान से। वो रहा हमारा घर। अरे वाह, बहुत ही शानदार जगह है। बहुत ही बढ़िया। तुमने सारे पेपर्स चेक कर लिए ना बेटा? सारे पेपर ठीक है पापा। खूबसूरत नजारा है ना। अरे अब्बो, अरे ध्यान से बेटा, धीरे धीरे चलो। अरे संभल के अब्बो, उन्हें तोड़ना मत, हट्टे हो सकते हैं। जी क्या यहाँ सिर्फ सेब हैं? ज्यादातर सेब हैं और कुछ एप्रिकॉट। एप्रिकॉट वहाँ है, कम कुछ दिन यहाँ रुकते हैं ना। तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या अब्बू? हम यहाँ छुट्टियों में आएंगे। हाँ मुझे स्नोफॉल भी देखना है। हम दिसंबर जनवरी में आएंगे जब यहाँ स्नोफॉल होता है। हमें भी आना है। अरे सब आएंगे। अभिजीत राणा, कमिश्नर। एएनआई से दीपक, पीटर लाउस हत्याकांड पर कोई खबर? यस, यू हर्ड इट राइट। द इन्वेस्टिगेशंस आर अंडरवे एंड आई कांट डाइवल्ज एनी इंफॉर्मेशन राइट नाउ। और विक्टिम्स? आई कैन टेल यू दैट देयर आर 4 विक्टिम्स, ऑल 4 फेटल। द किलिंग सीम्स टू बी गैंग राइवलरी। सर किसी पर कोई शक? नो, एज ऑफ नाउ वी कैन नॉट डाइवल्ज एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन। ठीक है सर, हम इसी तरह रिपोर्ट कर देते हैं। थैंक यू। अखबार वालों ने सिर्फ इतना लिखा है, 4 क्रिमिनल्स मारे गए, हत्याकांड गैंग वॉर हो सकता है, मरने वाले लुईस गैंग के हैं। किस गैंग ने इनको मारा? 1 हफ्ता हो गया है, तुम सब सारे के सारे निकम्मे हो, आज तक कुछ भी पता नहीं कर पाए। किसकी हिम्मत हुई लुईस के आदमियों को मारने की?
कौन है ये छुपा रुस्तम, गैंग या पुलिस, कहां छुपे हैं वो?